दोस्तों, आज खुशी का दिन है और 10 सितंबर ट्यूसडे 2024 और अभी मैं आया हूँ साई पॉइंट होंडा जो है यहाँ पे अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। डिलीवरी लेने से पहले आप ही में से जो मेरी चॉइस थी बाइक की, वो आप ही लोगों में से जो सजेशन दिया तो मेरा मैच हुआ। तो जिन लोग का कमेंट्स थे वो शुरू में मैं कमेंट्स स्क्रीन पे दिखाऊंगा, साथ में नाम मैं इसी पढ़ूंगा। साथ ही साथ जो मैंने प्रोसीजर किया था 2 सितंबर को यहाँ के चेक वगैरह सब दिया था वो इसमें दिखाऊंगा, और साथ में ये बाइक के बारे में जो पूरी डिटेल्स है इसकी इन्फॉर्मेशन, जो मैं बाइक ख़रीद रहा हूँ जो ले रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी व्लॉग में रहेगी। और आज जो अभी इसको इसकी डिलीवरी के लिए आया हूँ, इसको लेने के लिए आया हूँ, तो वो पार्ट भी इसी में है, तो एक ही व्लॉग में कंप्लीट रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं और बाइक की डिलीवरी लेते हैं, तब तक बाकी का पार्ट आप देखिए। तो दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स और फ्रेंड्स की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं और वो सबका जो है ना मेजॉरिटी का जो है मैक्सिमम मेंबर्स का वो यूनिकॉर्न के लिए मतलब इशारा था, तो उसी को हमने बुक किया और आज उसका पेमेंट देने आए हैं। तो कमेंट जिनके उनके नाम पढ़ के सुनाता हूँ और स्क्रीन पे आप कमेंट पढ़ने मिलेंगे। सुभान दाबिल कर रहे फिर कोकनी भाई यानी सादिक परदेसी फ्रॉम मानगांव, उसी तरह से कोकनी बात यानी जुनेद देशमुख के भी मोटो ब्लॉगर हैं और कोकनी भाई उनके कॉमेडी वीडियोस आप देखते रहते हैं। उसी तरह से हैं प्ले जोन डेड जोन अरबाज खलफे, बिलाल काजी, ट्रैवल विद मुदस्सिर वाडकर, होंडा यूनिकॉर्न ये भी लिखा है, एन दुर्वेश, दाऊद इब्राहिम और सैफ नागुट ने, अदनान शाह नागुट ने और सैफ नागुट ने मेरे बेटे हैं। उसी तरह से हमारे दोस्त साकिब हुनेरकर और लियो, ये मेरी बेटी की तरफ से कमेंट है। राइस होलकर ये भी मोटो ब्लॉगर है कोकन के बहुत बड़े, रिसेंटली उनको सिल्वर बटन भी मिला है। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों का जो मेजॉरिटी मेंबर्स का जो फेवर आया है वो यूनिकॉर्न की तरफ से है, तो यूनिकॉर्न का ही आज फाइनल पेमेंट हम आने हैं। अब थोड़ा उसका रिव्यू लेते हैं। दोस्तों, मैं मेरा रोड के साई पॉइंट जो होंडा है ऑथराइज शोरूम, ये मेरी जो होंडा शाइन जो थी 125 वो भी मैंने यहीं से 2015 में ख़रीदी थी और अभी वापस उसको बेच के जब आया हूँ तो इसी शोरूम में आया हूँ। और यहाँ के फ्लोर इंचार्ज है मिस्टर अविनाश पाटिल मेरे साथ में। अविनाश जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो अविनाश जी, आप क्या करना चाहोगे? मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको दो गाड़ी बता देता हूँ जी। एक SP160 है जो नया लॉन्च किया है कंपनी ने। ओके। SP160 जी नया लॉन्च किया, इसकी डिजाइन जो है स्पोर्ट्स लुक के हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है। ओके, ये एक गाड़ी हो गई। उसके बाद एक यूनिकॉर्न भी है हम लोग के पास, जो पुराना प्रोडक्ट है हम लोग का, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। चलो अभी हम वही जाते फिर। चलिए अभी अविनाश भाई के पास से हम यूनिकॉर्न का रिव्यू लेते हैं, है ना? तो जरा सर अविनाश भाई यूनिकॉर्न के बारे में बताइए जी। ये देखो सर, यूनिकॉर्न सालों से चल रहा है ये जो जब भी लॉन्च हुआ था 2006 में इसका लॉन्चिंग है। डिज़ाइन मैप सब कुछ सेम है और ये कस्टमर को यही गाड़ी चाहिए रहती, ऐसा कस्टमर का कहना है, क्योंकि ये गाड़ी ही ऐसी है। ओके, तो मैं आपको ये भी गाड़ी दिखा देता हूँ और इसके फीचर्स भी आपको बता देता हूँ। फीचर्स बता देता हूँ देखो सर। उसके बाद ये जो है देखो, इसमें पहली बात तो डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। पहले यूनिकॉर्न में कैसा था, डिस्क ब्रेक था लेकिन उसमें ABS सिस्टम नहीं थी। अच्छा, इसमें ABS दिया हुआ है। अच्छा। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है। अच्छा। एक नया चेंज करवाया इसमें यूनिकॉर्न। ABS को क्या मतलब? एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे कि आप गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हो। हाँ। ओके, तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए ये ABS वर्क करता है। ABS वर्क करता है क्योंकि कैसा है, सडनली ब्रेक मारने पे लोगों का एक्सीडेंट ज़्यादा होता था। हाँ। तो ABS सिस्टम कैसा मालूम है, ये ABS है सर। अच्छा। ये ABS दिया हुआ है, इसको ABS बोलते हैं। ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। हाँ। तो ये कैसा मालूम है, एक्सीडेंट केसेस। हाँ। और दूसरी बात, मतलब इसमें कैसा कंट्रोलिंग सिस्टम भी अच्छी है जी। तो जिससे एक्सीडेंट कम होता है और उसकी बात मतलब कंट्रोल में आती है गाड़ी, ऐसा ABS है ये टोटल। और दूसरी बात मतलब इसमें कैसा दिया हुआ है, हेलोजन फोकस लैंप दिया हुआ है। अच्छा, हेलोजन लैंप दिया हुआ है। अच्छा। हेलोजन अभी ये फिलहाल चल रहा नहीं है, मैं कोई बता रहा हूँ, डेमो पीस दिखा रहा हूँ। हेलोजन लैंप दिया हुआ है। उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे जी।
इसमें मीटर भी एनालॉग मीटर्स दिए हुए हैं। एनालॉग मीटर्स है। अच्छा, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा तो एनालॉग मीटर्स कैसा रहता है, एक कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि ये मीटर्स कैसे रहते हैं, ये अपने रिपेयर करने रिप्लेस करने नहीं पड़ते, रिपेयर हो जाते खराब होने पर। उसके बाद इसमें देखो इंजन ऑन ऑफ बटन भी दिया हुआ है, जैसे आप पहले नहीं था यूनिकॉर्न में। अच्छा, इंजन ऑन ऑफ बटन भी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इसमें पासिंग लाइट एडवांटेज का इंजन ऑन ऑफ, इंजन जैसे कि इंजन ऑन ऑफ, जैसे आप सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल पे खड़े होने के बाद अपनी गाड़ी कैसी स्टार्ट ही रहती है। हाँ। तो अपने को क्या आता है, गाड़ी अपन चाबी से बंद करने के अलावा अपन यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। हाँ, तो इजीली मतलब इजी मूवमेंट के हिसाब से इसको दिया हुआ है, दोनों हो जाएगा। हाँ, दोनों और साथ में सेल्फ भी है, सेल्फ भी दिया हुआ है, सेल्फ भी सिग्नल पे खड़े ऑफ कर दिए। हाँ, ऑफ कर दिए तो फिर किक मारे वो। हाँ, आप सेल्फ ये अपना इंजन ऑन ऑफ बटन ऑन कर दिया ना तो आप सेल्फ मारो ना और सेल्फ भी इजीली लग जाता है सर, कंफर्टेबल है। इसकी टैंक भी देखो मस्कुलर टैंक है ये। कितने लीटर का है ये? 12 लीटर की टैंक है इसकी टोटल। इसमें 3D एम्बलम भी दिया हुआ होंडा का, पहले स्टिकर्स आते थे, अभी क्रोम में, अभी क्रोम में दिया हुआ है टोटल। ओके, क्रोम में दिया हुआ। इसकी सीटिंग अरेंजमेंट भी एग्रोडेक सीट है, कंफर्टेबल सीट है। अच्छा, ओके। उसके बाद पिलन राइडर भी कंफर्टेबल ड्राइव कर सकता है इसमें। आप चला रहे हो गाड़ी, पीछे जो पिलन राइडर है वो भी इजी बैठ कर मजा ले सकता है गाड़ी का। एवरेज इसका कंपनी ने कोट किया 62, बट कस्टमर फीडबैक जो एवरेज है, जिनका रनिंग ज़्यादा है, लोकल में जिनका रनिंग है, उनका कस्टमर का कहना है कि मुझे 50 का एवरेज मिल रहा है। ओके, 50 का एवरेज मिला। जिनका अप एंड डाउन ज़्यादा है, जैसे ज़्यादा दूर चलाना हो, इसका एवरेज जो मिलेगा आपको अराउंड 60 के अराउंड मिलेगा ही मिलेगा एवरेज टोटल। इसके टायर्स भी देखने जाएंगे तो टायर्स भी इसके ट्यूबलेस है, दोनों टायर ट्यूबलेस है। हाँ, पहले यूनिकॉर्न में ट्यूबलेस टायर नहीं थे, टफ अप टायर थे, अभी यूनिकॉर्न में ट्यूबलेस टायर दिए हुए हैं टोटल। और उसका ट्यूबलेस टायर का बेनिफिट क्या रहता है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, कभी पंचर हो गया, पंचर होने पर कैसा मालूम है, आप 15 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हो और नियर बाय कहाँ पे लोकल गैरेज मिला तो वहाँ पे पंचर भी निकाल सकते हो, कंफर्टेबल दिया हुआ है। और यूनिकॉर्न ऐसी गाड़ी है, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि यूनिकॉर्न हम लोग का पुराना प्रोडक्ट है और कस्टमर का डिमांड भी ज़्यादा है यूनिकॉर्न के लिए। इसके लिए कैसा मालूम है, मैं आपको ये गाड़ी बोलता हूँ कि ये गाड़ी लो आप, क्योंकि आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। आपका ज़्यादा रनिंग कहाँ पे सर? और लोकल मतलब आप ये गाड़ी रखेंगे तो बेटर रहेगा ये आप। हाँ, तो आपको ये बेटर रहेगा, ये गाड़ी रखो सर आप, क्योंकि ये कंफर्टेबल गाड़ी है। और इसकी बात मतलब कहने जाएंगे तो ये कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है इसके लिए। अच्छा, और कस्टमर फीडबैक भी अच्छा है। और दूसरी बात मतलब रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, हम लोग का ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। ओके, और पुराना प्रोडक्ट है तो कस्टमर का डिमांड ज़्यादा होने के कारण कस्टमर फैन भी है इसके। अच्छा, तो मैं आपको सही गाइड करूँगा, क्योंकि कैसा मालूम है, आपका रनिंग और आपका अप एंड डाउन ज़्यादा होने के कारण आप लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हो ना, तो ये गाड़ी बेटर रहेगी। इसमें देखो मोनो सस्पेंशन भी दिया हुआ है, देखने जाएंगे तो ये मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप इमरजेंसी ब्रेकिंग पे ना, इसका बैक पेनिंग का इशू नहीं होता और एक्सीडेंट केसेस कम है मोनो सस्पेंशन का टोटल। इसमें ये देखने चैन पॉकेट कवर भी दिया हुआ है। अच्छा, नॉर्मल गाड़ियों में कैसा रहता है, चैन कवर नहीं रहता, इसमें चैन कवर दिया हुआ है, कंफर्टेबल। और ये फाइबर का है, मेटल का नहीं है कि रस्ट होके खराब हो जाएगा। अच्छा, ये है टेबल। तो देखिए अभी अविनाश पाटिल साहब ये फ्रॉम अलीबाग, तो इनका जो पूरा डिटेल इन्होंने बताया और आप लोग का जो सजेशंस है उनका और इनका जो मतलब जो दोनों को फीचर्स को देखते हुए ही हमने यूनिकॉर्न को बुक किया है। मैं सस्पेंस नहीं रख रहा हूँ, तो अभी अंदर चलते हैं, इसका फाइनल पेमेंट करते हैं। अच्छा, पेमेंट के बाद कितने दिन में मेरे को मिलेगी? ये मिल जाएगी आपको एक विद इन 2-3 डेज में, आपको 2-3 दिन में मिलेगी नंबर के साथ दे। तो वो भी ये इसी ब्लॉग में आप वो देखेंगे पेमेंट का भी, और मैं बाइक इसको यहाँ से टेक ओवर करने का भी वो क्लिप इसी में रहेंगे। सेकेंड सितंबर। ये अविनाश जी को हम चेक हैंड ओवर कर रहे हैं। अविनाश जी ने जो है ना बहुत अच्छा डिस्काउंट के साथ हमें ये बाइक दी है, तो अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मराठी मानुष है, हमारे ब्लॉग व्यूवर्स ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग होते हैं और कोकनीज भी होते हैं, और कोकनी और मराठी लोग ऐसे हैं कि और लैंग्वेजेस समझते हैं, हिंदी उर्दू मराठी कोकनी सब समझते हैं हम लोग, है ना। अपन जास्त हुशार आहोत, म्हणून मी हिंदीत बोलवतो, जास्त लोकांपर्यंत मेसेज पोहोचायला पाहिजे। बरोबर, धन्यवाद आपला। हां, थँक यू, रिसिप्ट देतो तुम्ही। यस यस। अभी देखिए ये बाइक लेने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, और ये डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन मैडम देगी।
मैडम क्या नाम तुमसर? मिर्जला पाटिल। मिर्जला पाटिल मिर्जला जी हाँ ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट है? पीयूसी एक वर्षा ची पीयूसी गाड़ी से इनवॉइस बिल है हाँ डिलीवरी चलाना है अच्छा रोड टैक्स रिसिप्ट है 15 वर्षा ची हाँ इंश्योरेंस है 5 वर्षा चा वन प्लस फोर फर्स्ट ईयर फर्स्ट पार्टी है बाकी फोर ईयर थर्ड पार्टी दोन कॉपी है एक घरी ठेवा एक गाड़ी मध्ये ठेवा अच्छा एक टैक्स पेपर ठेवा आणि पीयूसी ओरिजिनल ठेवा ओके बुक सर्विस मैन्युअल बुक है हाँ पहिल्या तीन सर्विस फ्री है पहिली सर्विस 7,500 किलोमीटर च्या आत मध्ये नाहीतर 30 किंवा 35 दिवसांमध्ये करायचे बाकी दोन सर्विस तुम्हाला तिथे सांगतील जातानाही बुक घेऊन जायचं आहे ठीक आहे तुम्हाला डिस्पॅच करून मेसेज येईल 10 दिवसाच्या आत मध्ये आरसी बुक बायपोस्ट करी बायपोस्ट घरी ना आले तर तुमच्याकडे नाही नाही आणखी जाते काय डॉक्युमेंट्स नाही काय नाही ओके टाका फोल्डर अभी फिर इसके बाद जब हम लोग लेते और ये आपका बाइक को है ना ये सब कवर क्या क्या प्रोसीजर होता है ना वो सब का भी पूरा करेंगे डॉक्यूमेंट कंपल्सरी है तो डॉक्यूमेंट को पहले हम लेंगे थैंक यू मैडम थैंक यू अविनाश जी है ये हमको चाबी दे रहे हैं मोटर साइकिल की अविनाश पाटिल साहब बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मेरे साथ में मेरा बेटा भी है जो कैमरे के पीछे है आपको दिखाता हूँ नाश्ता सैफ उधर आ जाओ उजाले में ठीक है धन्यवाद सैफ ये इससे आपको पेड़े देंगे मिठाई हमारी खुशियों में शामिल हो जाएंगे अविनाश जी कांग्रेचुलेशन थैंक यू हाँ वो तो अभी वीडियो में आ गए थैंक यू शिजा से इसमें स्टाफ भी है मेरे जी स्टाफ को भी सबको थैंक यू मैडम थोड़ा सा अपने हाथ को फ्री कर दो यस वो साहब जाता है कुछ मराठी में वैसे तो तू नया प्राइलिस्ट अभी लेके गया क्या इनको ये साहब को भी दे दे यस वो मैडम को दे दे मैडम नया प्राइसिंग मतलब जो अभी है 7653 वाला और है इधर अच्छा इधर भी एक मैडम है वो दिखी नहीं मैडम हाँ इनका साइन कर चलो फिर बात आप भी लीजिए थैंक यू लीजिए हो गया थैंक यू अभी एक बच्चा हुआ है नहीं आपको ये वॉचमैन अंकल बैठे देखो उनको दे दें हो साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून अलमाइटी अल्लाह से हम हमेशा दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह इस सवारी को हमारे लिए खैर फरमा इसके शर से हिफाज़त फरमा हादिसात की मौत से हिफाज़त फरमा और हमसे किसी का नुकसान ना हो हमसे किसी के साथ हादिसा ना हो ऐ अल्लाह उसकी भी फ़िक्र अता फरमा और सबकी हिफाज़त फरमा और लोगों को बुरी हादिसात से उनकी मौत से उनकी हिफाज़त फरमा तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी नई बाइक और हम मोटर व्लॉग भी थोड़ा दिखा रहे हैं मेरा रोड का मेरा भयंकर का रोड भी आपको दिखा रहे हैं तो दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग तो आपकी खिदमत में पेश किया आप कमेंट से नवाजिए और वहाँ से अगर आपको बता दूँ मैंने फुल डाउन पेमेंट भी लिया है और इसमें यूट्यूब का एक भी पैसा नहीं है वरना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूट्यूबर्स की कमाई है मुझे 5 या 4 महीने में एक बार $100 से ऊपर कुछ 100-125 के बीच में मिलता है साल में 2 मरतबा पहले 3 मरतबा मिलता था अभी 2 मरतबा मिलता है हम अपने जेब से खर्च करते हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्लेपेशन भी किया और आप सभी का मशवरों के लिए बहुत बहुत वहाँ सभी शुक्रिया आप अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक आध हफ्ते के बाद मैं ये ट्रैवल सीरीज़ में शुरू करूँ अल्लाह हाफिज़